सही भाई, राम राम। स्वागत आपका एक और नई वीडियो के अंदर। कल वाली वीडियो में हमने आपको दिखा दिया भाई पेंट कैसा करा रखा है, और आपसे भी कोई पेंट बहुत अच्छा लगा, मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा, और सभी को मतलब पेंट वो बहुत अच्छा लगा, कोई वो इशू वाली बात नहीं थी। ट्रैक्टर हमारे पास ना बस 2 दिन का टाइम है, ठीक है। 2 दिन के अंदर अंदर अपने ट्रैक्टर के ऊपर ना सारी छतरी और जो म्यूजिक सिस्टम हमने सारा कुछ उतार रखा है वो वापिस चढ़ाना, सिर्फ 2 दिन का टाइम है, और 2 दिन भी डेढ़ ही दिन लगा लो, पूरे 2 दिन का टाइम भी नहीं है, ठीक है। पापा जो ट्रैक्टर ना सुगर मिल में लेके जाना है काम के लिए, तो उन्होंने बोला भाई आज और कल दोपहर तक मुझे ट्रैक्टर रेडी करके दे दो, और इतने दिन हो गए इसको ऐसे उतार कर रख रखा है क्या ये, मतलब थोड़ा गुस्सा कर रहे थे। तो आज और कल का टाइम हमारे पास, मैं एक बार अभी हम बाइक पे जाएंगे और जाके देखते हैं बस उसका यू पाइप का कितना काम अभी पेंडिंग पड़ा है, जल्दी से जल्दी उसको रेडी करा के ट्रैक्टर पर फिट करना है वो। तो एक बार जा रहे हैं और जाकर वहाँ पर देखते हैं, बाइक पर जाएंगे। भाई चलते हैं पेंटर के पास। छुक छुक वाला सिलेंसर लग रहा है, छुक छुक वाला। हम घेरे भी देंगे इस सिलेंसर में, तो बुलेट का कोई स्वाद नहीं यार, इस तो बढ़िया ना चलाओ। अरे सब चलान कटा जद जद इसका स्वाद है, देखिए कदा अगले में छूट दे। पहले जो इसके ऊपर पेंट था वो उतारा केमिकल के साथ, और उसके बाद फिर इसके ऊपर प्राइमर लग के फिर अब रेगमार के साथ घिसाई हो रही है, उसके बाद फिर पेंट लगेगा। पहले एक कोट फिर दूसरा कोट। यार एक कोट तो मार दिया, दूसरा कोट अभी रह गया, इसमें सफाई नहीं आती है एक कोट में बस ये होता है भाई थोड़ा थोड़ा कवर हो जाता है हल्का फुल्का, और जो सेकंड कोट लगेगा उसमें फिनिशिंग आएगी अच्छी तरीके से। एक ये काम भी अच्छा लगा, थोड़ी थोड़ी ना अभी बारिश आ गई थी तो उसकी वजह से थोड़ी धूल दब गई है, और नहीं तो ऐसा पेंट होता है बिल्कुल दाने दाने रह जाते सारे को। चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात होगी। डंडा चेंज कर दिया ना हमने, तो जहाँ पे वेस्ट ट्यूब अपनी लगती है यहाँ पे, तो एक सुराख यहाँ पे होएगा, एक यहाँ पे होएगा, और जो पीछे म्यूजिक सिस्टम में रखा जाता है उसके लिए स्पोर्ट होती है वो वाली, यहाँ पे जो स्पोर्ट होती है उसके लिए एक यहाँ पे सुराख होएगा, ये लगा हुआ है। तो अभी तक ना यू पाइप का काम खत्म नहीं हुआ है, हम एक बार घर पे जा रहे हैं कुछ खाना खुना खा के दोबारा फिर आएंगे। वहाँ पे मिस्त्री के पास गए थे, उसने बोला भाई तुम घर पे चला जाओ ट्रैक्टर लेके आ जाओ, मैं पेंट जब तक तुम ट्रैक्टर लेके आओगे ना मैं कर दूंगा। वो बारिश आ गई यार, ट्रैक्टर के ऊपर छतरी भी नहीं है, तो जब बारिश शुरू होगी ना तब आएंगे वापिस। हरियाणा में तो ऐसा वेदर हो रहा है भाई, जो गुजरात एमपी के और पंजाब के अपने भाई है वो कमेंट करके बताओ यार वहाँ पे कैसा वेदर है। स्प्लेंडर थोड़ा सा टाइम और लगेगा, स्प्लेंडर को भी तैयार करवाना है अपने को, एक बार ट्रैक्टर तैयार हो गए पूरा हो जाए फिर करवाएंगे तैयार, स्प्लेंडर को भी ऐसी तैयार करवानी है पूरी जरा जर वाली। घर पे आ गए हैं और अभी तक उसका काम पूरा हुआ नहीं है, वो होएगा आज शाम या कल सुबह तक काम पूरा हो जाएगा उसका। तब तक ना मैं ट्रैक्टर पर पेंट कर लेता हूँ, जिस जैसे यू पाइप हम लगाते हैं उतारते हैं तो वहाँ से ना पिछले मुडगार्डों का थोड़ा सा कलर खराब हो गया, तो वहाँ से मैं इतने एक बार पेंट कर लेते हैं, और फिर पेंट करने के बाद फिर दोबारा जाके देखेंगे भाई कितना काम पेंडिंग है कितना नहीं, एक बार पेंट कर लेते हैं। कल तक ना अपने ट्रैक्टर पर सारा सामान चढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर पेंट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं आज कर देता हूँ, टाइम निकाल लिया आज मैंने पेंट करने के लिए। कल को फिर वो यू पाइप देखो क्या हाल हो गया है, देखो यही है भाई जो ट्रैक्टर स्टंट में चलता है ना, यही हाल होता है फिर तो। स्प्रे मैंने इसी कर दिया, स्प्रे ले लिया है, जॉन डीयर का ओरिजिनल स्प्रे आता है, ये कंपनी से आता है, बाहर से कहीं से मेरे ख्याल से नहीं मिलता, 700-800 के आसपास का आता है, बाकी मार्केट में और लोकल मिल जाते हैं 70-80 रुपए का मिल जाता है, लेकिन वो बेकार, वो कभी ट्रैक्टर के ऊपर मत यूज करना, अगर कहीं पे गलत हो जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा थीनर भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने पेट्रोल यूज कर रखा है। कहीं जगह ऐसी होती है जहाँ पे स्प्रे नहीं लग पाता, तो ना किसी जैसे कोक की बोतल होती है उसके लिए उसका जो छोटा सा कैप होता है, पुराना जो कैप होता है ना, उसमें थोड़ा सा ये पेंट निकाल लो और बर्स उसमें लगा के फिर उससे हम कर सकते हैं, वो भी ठीक है। जिस एरिए पे पेंट निकलना होता है उस एरिए को कवर करने के लिए एक बार की जरूरत पड़ती है, टेप की जरूरत पड़ती है। एक बार मैं अभी दिखा देता हूँ कैसे कैसे पेंट करते हैं।
लो भाई मानो भी आगे पेंट कराने के लिए आजा। पेंट का काम अब जाके पूरा हुआ है भाई, रात के ना 9-10 बज गए हैं। अब ना इस यू पाइप को घर पे लेके जाएंगे और फिर घर पे ट्रैक्टर पे सुबह चढ़ा लेंगे इसको। अब घर पे आ गए हैं, यू पाइप को मैंने बाहर रख दिया है। और जो हमारा ये म्यूजिक सिस्टम है ये यार पता नहीं कैसे, पहले तो ठीक बज रहा था, एक स्टंट मारने के बाद ये ख़राब हो गया यार। इसके स्पीकर बजने बंद हो गए, बेस तो पूरी आ रही है लेकिन बराबर में पता नहीं कौन से स्पीकर है, 2 स्पीकर इसके ना ऑटोमेटिक अपने आप ही बंद हो गए हैं। इसकी ना वायरिंग अंदर से बिल्कुल बेकार है। मैं एक बार ना इसकी वायरिंग कर लेता हूँ और वायरिंग करके ना फिर आपको दिखाता हूँ मैंने वायरिंग कैसे की है दोबारा से इसकी। पूरे 4 या 5 घंटे की मेहनत करने के बाद ना म्यूजिक सिस्टम अपना चालू हो गया है। एक एम्प में प्रॉब्लम आ गई थी स्टंट करते टाइम दोबारा से, तो वो भी ठीक कर दिया और वायरिंग मैंने दोबारा से कर दिया है। 4-5 घंटे लगे हैं लेकिन सारा कुछ ठीक हो गया। पहले से भी ना अच्छी आवाज़ हो गई है, वीडियो के लास्ट में हम आपको आवाज़ भी चेक करवाएंगे। पहले से बहुत ज़्यादा बेस अच्छी हो गई है इसकी। बाय बाय। क्या इसको यहाँ पे ना इसलिए बांध रखा है, घर पे आज लाइट नहीं है, कल रात से लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर डाउन हो गया है तो घर पे अंदर गर्मी है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ी बहुत हवा लगती है इसलिए यहाँ पे इसको बांध रखा है। खुली इसको छोड़ देते हैं फिर तो कुछ ना कुछ खाने लग जाती है। इसे टायरों के ऊपर टेप लगा रखी थी वो भी खा गई, कुछ नहीं छोड़ती, चुपचाप लेटे रहो यहीं पर। ठीक है जब लाइट आएगी ना फिर अंदर लेके चला जाऊँगा, यहीं पर लेटे रहो, पानी पी ले अपना आराम से सो जा। बाय। ऐसे नाइट गर्दन वैसे क्यों करी टेडी, मेरे इसकी पुष्पा वाली आदत है। ठीक है मैं बाय। चलो चलो तो अगला दिन भी चालू हो गया। आज ना 12 बजे से पहले पहले सारा काम कंप्लीट होना चाहिए, तो दोबारा फिर जा रहे हैं एक बार और सनोली मिस्त्री के पास, वहाँ पे जाके एक और जुगाड़ करवाना है और वो आपको अभी वीडियो दिखाते हैं। अब आप सोच रहे हो भाई चलो ठीक है ये जुगाड़ तो इन्होंने करवा लिया था, अब पता नहीं कौन सा जुगाड़ करवाने के लिए चल पड़े हैं यहाँ से। तो मैं बता देता हूँ, जैसे गोल देखो यहाँ पे गोल है बिल्कुल, ठीक है, और ये ऊपर वाला भी गोल है, तो यहाँ पे भी ऐसे ये सुराख है ना बिल्कुल गोल था। ये घिस घिस कर देखो कितना गैप हो गया यहाँ पे इसमें। ये स्टंट में जब ट्रैक्टर ऐसे गिरता है ना तो ऐसे ये हिलता है, तो कट गया है देखो बिल्कुल, थोड़ी सी परत रह गई है, ये इतना गैप हो गया इसमें। तो जो नया हम यू पाइप लेके आए ना उसमें ये प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए एक जुगाड़ सोचा हमने, वो कराने के लिए जा रहे हैं, वो कराने के बाद फिर फाइनल हो जाएगा। वो ट्रैक्टर पर अपने पर काम चल रहा है, ट्रैक्टर वहाँ पे खड़ा है सुमित का, इसको ना रिपर पे जाना था, इसकी भी छुट्टी लगवा दी, उसको भी जाना था उसकी भी छुट्टी लगवा दी, तीनों यहीं पे हैं लगे हुए हैं काम करने, मजा आ रहा है। केले भर है कचरी दुखी हो रही है भाई, तड़की खड़ा है कचरी खा लगे करारी सलप हुआ, करारी सलप हुआ, और भाग रहे।
क्या चढ़ाई चढ़ा क्या कहो था भाई काम खत्म हो गया, अब सीधा घर पे चलते हैं। लो भाई पहुंच गए सीधा घर पर। साइकिल तोड़ है ना? खोल दो खोल दो, कोड चोरे खोल दो। काम के बाड़ा खत्म। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सब्सक्राइबर भाई अपने मेरे 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 के अंदर था इसके अंदर। सुन तुम का एरर टेबल का। तुम क्या कहते रहा इना? सब्सक्राइबर है हमारे। लव नई टेक्निक छोरे की। हां देखा। मैं टीचर ना टाइप करता हूँ ना। ये हालत होगी यार, देख लो इन कामों में ना ऐसा ही होता है यार। ये कर दिया अब की बार ना, डबल डबल नट लगा दिए यहाँ पे। और ये वाला जुगाड़ वीडियो में हमने दिखाई दिया था क्या 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 नहीं किया है, ठीक है। और एक नट एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा दिया नीचे, पहले यहाँ से टूट जाता था, यहाँ पे डबल वो करवा दिया। पहले ये इतनी आती थी, इतनी इससे नाखून से ऊपर ऊपर, तो इतनी 4 इंच की मोटी प्लेट एक्स्ट्रा लगवाई है, ठीक है। और अब की बार ये भी थोड़ी ही मतलब मोटी, ये भी इतनी थी तो ये भी थोड़ी बड़ी बनवा दी है, नए नट लगा दिए नीचे भी। और ना एक सुराख यहाँ से करवा दिया है, अभी यहाँ से ना एक वेल्डिंग होके ऐसे पूरा पूरा इसको और सपोर्ट मिल जाएगी। एक जुगाड़ और बनवाना, 3 जुगाड़ हो गए, 1 2 और 3 नीचे और 4th सपोर्ट हो भाई। अभी टूटेगा तो टूटेगा, फिर नहीं से कोई रोक सकता। अब लेने को यार जो एजेंसी से आता है वो भी ले आते, वो इससे बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन उसमें पता क्या होता है, वो ना यहाँ पे आता है नीचे, जो यहाँ पे मुडगार्ड होते हैं ना, ये इनके नीचे आएगा वो। और इनके नीचे आने से पहला एक पहले कितना गैप है, मैं दो इतना गैप है, 2 इंच का गैप है। और जब वो आ जाएगा तो 2 इंच और मुर्गाड़ ऊपर उठ जाएंगे। ट्रैक्टर पहले ही बहुत नीचा दिखता आगे से, और फिर मुर्गाड़ और ऊंचे हो जाएंगे, फिर यहाँ से प्लेट भी चेंज करानी पड़ेगी, ये भी बड़ी करानी पड़ेगी। और पहले क्या फिर वो अच्छा सा नहीं लगता यार, फिर मैंने सोचा चल ठीक है इसमें करा लेते हैं जुगाड़। अब ये यू पाइप अपना सेफ्टी गार्ड फिट हो गया, इसके बाद एक बार ये जो ये टंकी है फ्यूल टैंक अपना खाली हमने कर लिया ये, और इसको एक बार चढ़ा देते हैं। यहाँ पे ना सिंगल सिंगल नट आता है, पहले सिंगल नट एक लगा के और ऊपर फिर एक और लोक वाला नट लगा दिया, और रस्सों से कर दिया सब इतने टाइट अप के बाद तो ढीले होने का कोई चांस ही नहीं बनता। पहले अगर हम इन नटों को ना जो नट मैंने अभी वीडियो में दिखाए हैं हम इनको टाइट करते थे ना, तो जो ये हल्की चादर है ये मुस जाती थी, अब की बार अंदर बुस बन गया, अब की बार ये मुसेगी नहीं, अब की बार नहीं खिलेगा जमा। चल लाऊं लाऊंगा बस और धक्का मार इसके, अग मारो हाँ और मार धक्का, रुजा रुजा बैठ रुकी अंगद आला पां लगा दे फिट आई हो गई थी यहां हाथ की साले यार। रोटी खाओ ही। लो भाई टंकी और अपना म्यूजिक सिस्टम दोनों चीज लग गई हैं। अब ट्रैक्टर पहले जैसा थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया भाई, हाँ ट्रैक्टर में है कुछ नहीं, पहले तो ऐसा हो गया था बिल्कुल भद्दा सा दिखने लग गया था, अब खुद चलाने का मन नहीं करता था। और अब छतरी छतरी हो रहा है, छतरी और चढ़ा देते हैं एक बार। अब ये ट्रैक्टर की ट्रैक्टरों में गिनती, पहले तो पता नहीं क्या चीज़ बना रखी थी ट्रैक्टर की। चलो कोई नहीं भाई, अब देखो अब अच्छा लग रहा है बिल्कुल ट्रैक्टर। और एक बार आवाज़ और चेकअप करा देता हूँ जो म्यूजिक सिस्टम में दोबारा से हमने किया है ना, एक बार आवाज़ और दिखाता हूँ आप सभी को कैसी आवाज़ होगी। अब तो ये थी भाई म्यूजिक की आवाज़, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अभी बेस ट्यूब एक लगनी बाकी है, और बिना बेस ट्यूब के बजा के देखा था,
अब तो दोबारा ट्रैक्टर झोटा सा लगने लग गया है, अब तो मुझे ही मजा आ रहा है बेचारे को देख के, बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि पापा ने बोला था भाई 12-1 बजे तक मुझे ट्रैक्टर रेडी करके दे देना, 12-1 बजे से पहले ही हमने पापा जी को ट्रैक्टर रेडी करके दे दिया है। अब वो ट्रैक्टर को लेकर सूर मिल में जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे वापस, तब तक हम देखते हैं और कुछ करते हैं प्लान। जा रहे हैं पापा तो अभी, ट्रैक्टर जा रहा है अपना, तो आज शाम तक वापस आएगा ट्रैक्टर। यार आप सभी ना ये सोच रहे होगे भाई इतने दिन से वीडियो, इतने दिन से नहीं यार, 2 ही दिन हुए मेरे ख्याल से, 2 दिन से वीडियो आई नहीं थी आज तो, मतलब कल तो मैंने वीडियो डाल दी थी और, लेकिन यार 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी। उसका ना रीजन मैं बताता हूँ। एक तो यार ट्रैक्टर अपना आपने देखा होगा, टंकी भी उतार रखी थी, छतरी भी उतार रखी थी, ये वाला जो यू पाइप सेफ्टी गार्ड अपना ये भी उतार रखा था, और ये अपने म्यूजिक सिस्टम भी उतार रखा था, तो ये सारा कुछ उतार रखा था ट्रैक्टर के ऊपर से। उसका रीजन आपको पता ही है क्यों उतार रखा था, वो टूट गया था, ये वाला जुगाड़ टूट गया था, तो इसलिए मैंने उतार दिया था, तो इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी यार। एक तो शेड्यूल नहीं बन रहा था, गर्मी ज़्यादा हो रही थी, काम नहीं बन रहा था, और एक यार जिस फ़ोन से भी वीडियो शूट कर रहे हैं ना, वो आई फोन 12 है मेरे पास 128 GB में, वो यार स्टोरेज उसकी पूरी भर गई थी। मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा, उसमें खाली 2 या 3 GB स्टोरेज खाली थी। पीछे वाली वीडियो मैं काट नहीं सकता क्योंकि इंस्टाग्राम पर रील्स डालनी होती है, इसलिए मैं काट नहीं सकता। तो नई वीडियो बनाने के लिए फोन ही नहीं था, एक ये फोन है मेरे पास एंड्रॉइड 256 GB में, और जब ये 12 लॉन्च हुआ था ये लेके आया था, तो दोनों फोन ये फुल हो गए थे, कोई से भी फोन में ना स्टोरेज नहीं थी। तो यार मैंने सोचा यार स्टोरेज की वजह से यार दिक्कत आ रही है। कल कोई मैंने बाइक उठाई सीधा पानीपत गया, पानीपत जाके मैंने फोन ले लिया, फिर नया आईफोन 13 प्रो, फिर ये भी 128 GB में था उनके पास, तो 2 दिन की वेटिंग के बाद ये अभी आया है, 256 GB में मंगाया मैंने। और इसकी ना अनबॉक्सिंग तो वही दुकान पे कर दी थी भाई, शॉप वाला बोला भाई एक बार खोल के देख लो कहीं कोई प्रॉब्लम डैमेज पीस ना आ जाता हो, तो अनबॉक्सिंग तो मैंने वहीं पे कर ली थी इसकी। बाकी फोन अभी चालू नहीं किया है, अभी थोड़ी देर बाद इसको चालू करेंगे, आगे से ना 13 बीस में बनाया करेंगे वीडियो। बस मेरे 1 लाख से ऊपर का पड़ गया ये, 21-22 के आसपास का पड़ गया है, तो लगा दिए पैसे इसके ऊपर भी, और अब वीडियो मेरे ख्याल से जितना उसके उतना रेगुलरली आया करेंगी, क्योंकि फोन भी अब 2-3 दिन हो गए हैं, एप्पल के भी एक एंड्रॉइड हो गया है, ठीक है, तो स्टोरेज का कोई इशू नहीं रहा करे। बाकी अब ट्रैक्टर के ऊपर अपना छतरी भी लगा दी अच्छी तरीके से, और जो ये पाइप था ट्राई अभी तक इसकी करके देखी नहीं हमने, अभी करके देखेंगे, स्टंट लगा के देखेंगे भाई, अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। और म्यूजिक सिस्टम भी बीच में टूट गया था, उस दिन इंटरव्यू करने के लिए वो बंदा आया हुआ था हमारे पास, वहाँ पे पक्के में स्टंट कर दिया, तो ये बूफर काम करना बंद कर गए दोबारा से, तो ये भी ठीक किए हैं दोबारा से, 4 घंटे तो इन बूफर ठीक करने में लग गए हैं, और छतरी अच्छी तरह से फिट कर दिया है दोबारा से टेप टाप लगा के, अब ट्रैक्टर पूरा तैयार हो गया है, ठीक है। इसके बाद अब मिस्त्री के साथ मेरी बात हो चुकी है, तो 2 दिन उसी के पास ट्रैक्टर खड़ा रहेगा, मुझे ही लेके जाना पड़ेगा, और वहीं पे एक दोस्त का घर है समालके के पास में, वहीं पे रहना पड़ेगा 2 दिन, तो वहाँ पे जाके बम्पर पहले, तो बम्पर आप लोगों ने ना लास्ट वीडियो के ऊपर कमेंट कर रखे, कम से कम 1000 कमेंट आ रखी है बम्पर के ऊपर, वो देखने अभी बाकी है, वो मैं देखूंगा आज रात में, उन कमेंटों को देख लूंगा, 1000 कमेंट हर एक कमेंट को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे कमेंट पढ़ने में, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम मायने नहीं रखता, आपकी जो बातें हैं वो हमारे लिए मायने रखती हैं, वो कमेंटों में हम एक बार देख के पढ़ लेंगे, और उन कमेंटों को पढ़ने के बाद फिर बम्पर डिसीजन ले लेंगे, जिनकी ज़्यादा कमेंट होंगी जो ठीक लगेगा बम्पर, और जो फ्रंट टायर है उन टायरों के लिए मडगार्ड, पीछे तो कंपनी देती है आगे कंपनी नहीं देती, तो एक फ्रंट टायरों के लिए मडगार्ड, बम्पर और एक पैर वाली रेस, 2-3 चीज़ें और हैं वो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा, वो वहीं पे जब मिस्त्री के पास जाएंगे ना वो तभी आपको बताऊँगा। और अब आप पूछोगे भाई कितना टाइम और लगेगा, भाई देखो मैं अब ये लगा लो, मुझे जो पीछे ट्रैक्टर खड़ा उसको भी तैयार करना पड़ रहा है साथ साथ इसको, और छोटे मोटे घर में काम भी हो जाते हैं, थोड़ी पढ़ाई का भी इशू चल रहा है भाई, तो इसलिए यार पूरा टाइम मैं दे नहीं पा रहा। अगर आप पूरा टाइम ट्रैक्टर को दे दो ना तो मैं 1 या 2 दिन में सारा तैयार कर दूँ इसको, लेकिन यार पूरा टाइम आप समझ सकते हो यार, थोड़ा और काम भी होते हैं, थोड़ी पढ़ाई भी है, थोड़े घर के काम भी है, खेत में भी काम है, तो सारे वो करने पड़ते हैं यार, एक फेसबुक पे पेज अपना, उस पेज पे वीडियो डालनी पड़ती है, तो इसलिए दिक्कत होती है यार, एक आदमी इतना काम नहीं कर सकता जितना, मतलब मोस्टली जो बंदे वीडियो बनाते हैं जिनके 6-7 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, जितने सब्सक्राइबर अपने हैं, तो उनका एक अलग ग्रुप होता है पूरा वीडियो बनाने का, एडिट करने का, उनकी पूरी टीम होती है, अपनी ऐसी कोई टीम नहीं है, बस एक सुमित हो गया, सोनू हो गया, शुभम हो गया, जोनी हो गया, एक दो अपने आंसू भाई हो गया, एक दो भाई और अपने जिनके साथ मतलब मिलकर वीडियो बनाते हैं, तो
कैमरामैन तो कोई अपना फिक्स नहीं है, जिसका फोन पकड़ा दिया वही वीडियो बना देता है। घर पे आके सभी वीडियो को काटना, उनको एडिट करना, एडिट करके यूट्यूब पे डालना, थंबनेल बनाना, टाइटल सारा कुछ, अपलोडिंग सारा कुछ मैं ही करता हूँ। तो यार इसलिए कम से कम 4 घंटे एडिटिंग में लग जाते हैं, तो यार टाइम का इशू बहुत ज्यादा रहता है। तो मैं तो जितना भी हो सकता अपने सारे काम छोड़ रखे हैं, इस यूट्यूब के पीछे ही हूँ। और भाई बाकी आगे जितना भी हो सके, कोई ज्यादा ही इमरजेंसी होगी तो वीडियो छोड़ देंगे, नहीं रेगुलरली वीडियो लेके आएंगे। और अभी यार मुझे अच्छी तरह से वीडियो ये लगा लो, पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी, अब थोड़ी थोड़ी आने लग गई है। 100 में से 30% मैं मानता हूँ अपने दिमाग से, भाई 100 में से 30% वीडियो मुझे बनानी आती है अभी फिलहाल। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे टाइम जाता जाएगा, थोड़ा और एक्सपीरियंस, थोड़ा और हाथ में सफाई आती जाएगी, बोलने में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होगा, तो आगे आगे और मतलब अच्छी तरीके, अब तो फोन भी बड़ा आ गया हमारे पास, तो और अच्छी वीडियो आएंगे आगे। तो आप ऐसे स्पोर्ट बनाए रखना। तो आज ट्रैक्टर के ऊपर सारा काम कर दिया है, हाथों की हालत आपने देख ली मेरी कैसी हालत हो गई थी, सारा काम खुद करना पड़ता है यार, मिस्त्री करते नहीं, मिस्त्री कर देते हैं लेकिन वो वैसा काम करते हैं ना भाई, जैसे यू पाइप लगा दिया तो वो नॉर्मल लगा के देंगे, वो ये यू पाइप इसलिए देते हैं भाई उसके ऊपर ये टिक जाए, छतरी टिक जाए, लेकिन हम यू पाइप का यूज कैसे करते हैं स्टंटों के लिए, स्टंट मारते हैं ट्रैक्टर ऐसे ही हिलता आगे पीछे, पीछे पलट ना जाए। तो पीछे वाला जो लास्ट टाइम ये यू पाइप था अपने ट्रैक्टर पर, उसका आपने आपको मैंने हाल दिखाया था, ऐसे मुड़ गया था वो, तिरछा हो गया था। तो वो कोई काम जो ट्रैक्टर है खेती के लिए स्टंट के लिए नहीं बने होते, हम फिर भी इनसे उल्टे काम करते हैं, स्टंट करते हैं, तो उसके लिए भाई टूट फूट होती है और टूट फूट खुद ठीक करनी पड़ती है। और बाकी नई नई वीडियो आती रहेंगी, फोन नया ले लिया है, और कमेंट में नीचे करके बता देना भाई ये फोन ठीक रहेगा, बाकी या और कोई लेना चाहिए था, अब तो मैं ले आया हूँ आपसे बिना पूछे ले आया हूँ, बाकी आप बता देना ठीक है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो यार यही ठीक है कैमरे के लिए, तो बाकी आप कमेंट में बता देना मुझे भाई ये फोन ठीक लेके आया नहीं लेके आया। 13 प्रो है, 256 GB में है, और बाकी आगे से इसी में वीडियो बना करेंगे। और बाकी कल को देखते हैं कोई नई वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, कल तक के लिए बाय।